आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने हस्त मैथुन ज्यादा करके अपने आप को बिल्कुल बेकार कर लिया है। आज वो इस हालत में हैं कि वो अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उसको वो मजा वो सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाते हैं जो एक्चुअल में चाहिए होता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा वीर्य पतला है, हमारी टाइमिंग कम है, मर्दाना ताकत की कमी है, जोश नहीं है उनके अंदर, ढीलापन रहता है, लिंग के अंदर सख्ती नहीं है, तनाव की कमी रहती है, बहुत ही जल्द उनका पानी निकल जाता है जिसके कारण वो अपने पार्टनर को अपनी बीवी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके वो आसानी से अपनी बीवी को अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहली चीज़ है मस्तगी रूमी, उसके बाद दूसरी चीज़ है रेग माही और उसके बाद तीसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली। मस्तगी रूमी इसमें आपको 25 ग्राम लेनी है, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और रेग माही भी आपको इसमें 50 ग्राम लेनी है। अब आपको करना ये है कि इन सभी चीज़ों का अलग अलग बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लेना है, सफूफ बना लेना है। उसके बाद इस सभी जड़ी बूटियों को एक जगह मिक्स कर देना है, किसी डिब्बे वगैरह में भर के रख लेना है। अब ये दवाई आपकी बनकर तैयार हो गई है। अब आपको इसका इस्तेमाल सुबह और शाम करना है। सुबह खाली पेट आपको इसकी एक तिहाई चम्मच खानी है और ऊपर से 250 ग्राम हल्का गर्म दूध पी लेना है। इसी तरह से शाम को खाना खाने के एक घंटा बाद आपको इसका एक तिहाई चम्मच खाना है और ऊपर से 250 ग्राम हल्का गर्म दूध आपको पी लेना है। इस तरह से रेगुलर आपको इस दवाई का इस्तेमाल कम से कम 40 दिन तक करना है। अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपका वीर्य बनता है, बढ़ता है, वीर्य गाढ़ा होता है, आपकी टाइमिंग बढ़ती है। जहां पे आप 2-4-5 मिनट ही कर पा रहे हैं, वहां पे आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक आराम से जो है संभोग कर पाएंगे, आराम से आप वो क्रिया कर पाएंगे कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएं, उसको खुश कर पाएं। इसमें परहेज नींबू अचार, दही, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, डोसा, समोसा, पकौड़ा, पकौड़ी, इन चीज़ों का परहेज करना है जब तक आपकी दवाई चलेगी। रेगुलर आप इसका इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।